नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 11 जनवरी। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में अकाउंटेंट असिस्टेंट और अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती। नेशनल हेल्थ मिशन बिहार ने अकाउंटेंट और अकाउंटेंट असिस्टेंट के पदों पर 84 भर्तियां निकाली है। इन पदों पर इच्छुक और योग्य उम्मीदवार स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार .org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 जनवरी 2021 है। मिली जानकारी के अनुसार अकाउंटेंट 6, अकाउंटेंट 9, अकाउंटेंट 38, अर्बन हेल्थ अकाउंटेंट असिस्टेंट 31 पदों पर आवेदन निकाले गए हैं। बांका के मंदार पर्वत पर आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। 700 फीट ऊंचे इस पर्वत के बारे में पुराणों और महाभारतों में कई कहानियां प्रचलित है। माना जाता है कि इस पर्वत से समुद्र मंथन हुआ था। अगर आप मंदार पर्वत जाते हैं तो आप पापहरणी और लखदीपा मंदिर भी घूम सकते हैं, जो कि वहीं पास में स्थित है। रेलवे पैसेंजर को जल्द मिलेगी बड़ी राहत। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे पैसेंजर की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सहरसा से पटना और जमालपुर को आने जाने वाले मेमू स्पेशल ट्रेन अब 31 मार्च तक चलाई जाने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मध्य रेल ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों के संचालन के दिनों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले इन ट्रेनों को 31 जनवरी तक ही चलाने का फैसला लिया गया था, जिसकी जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पटना और जमालपुर को सहरसा से आने जाने वाली मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 31 मार्च तक होने वाली है। ट्रेन से जुड़ी सारी जानकारी 139 और रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी। बिहार में 15 जनवरी को होगा 3 दिवसीय राज्य पक्षी महोत्सव। बिहार के जमुई जिले में 15 जनवरी से कलरव नामक 3 दिवसीय राज्य पक्षी महोत्सव का शुभारंभ होने वाला है, जिससे कि पक्षियों को लेकर के और खासकर की प्रवासी पक्षियों को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके। इस कार्यक्रम को लेकर एक अधिकारी ने अपना आधिकारिक बयान भी जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि पहला राज्य पक्षी महोत्सव 15 से 17 जनवरी के बीच जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभयारण्यों में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि प्रवासी पक्षी इस मौसम के दौरान बड़ी संख्या में अभयारण्य आना जाना करते हैं। मुख्य आयोजन नागी पक्षी अभयारण्य में किया जाएगा, जबकि नागी अभयारण्य में लगभग 5-6 किलोमीटर दूर स्थित नकटी पक्षी अपने कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बिहार में कोरोना के मिले 300 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 359 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 256,778 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 168 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बेगूसराय और सहरसा में 18 और सिवान रोहतास में 12 मामले सामने आए हैं। अवैध बालू निकासी को लेकर एसपी ने दिया अपना बयान। बिहार में अवैध बालू निकासी की बड़ी समस्या आए दिन सुनने में मिल जाती है। वहीं जिले के कई गंगा घाटों पर खुलेआम अवैध बालू के निकासी की प्रक्रिया अभी भी देखने को मिल रही है। पीला सोना कहे जाने वाले अवैध बालू के कारोबार से बालू माफिया दिन प्रतिदिन और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। इसी को लेकर पटना डीएम के साथ पटना पुलिस भी बालू माफियाओं पर नकेल कसने में जुट गई है। वहीं इन सभी मुद्दों को लेकर पटना एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह जानकारी मिली है कि पटना जिले के कई गंगा घाटों में बालू माफिया अवैध बालू की निकासी करने में जुटे हुए हैं। इसको देखते हुए पटना जिलाधिकारी और एसएसपी के द्वारा एक टीम बनाकर गंगा नदी के अवैध बालू की निकासी कर रहे बालू माफियाओं पर नकेल कसने की कवायद शुरू जल्द ही की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द माइनिंग ऑफिसर और पटना पुलिस की टीम बनाकर गंगा घाटों पर तैनात किए जाएंगे। कोरोना पर प्रहार के लिए बिहार के तैयार होने की कही गई बात। कोविड 19 संक्रमण को पराजित करने के लिए पूरे देश में 16 जनवरी से टीकाकरण के पहले चरण की शुरुआत होने वाली है। इसके साथ ही बिहार में भी 16 जनवरी से पहले दौर का टीकाकरण शुरू होने वाला है, जिसके तहत 4,67,484 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को और डॉक्टरों को पहले चरण में कोरोना से बचाव के लिए टीका दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में टीकाकरण के लिए 300 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 16 जनवरी से शुरू टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता और सजगता के साथ काम कर रहा है। बिहार में कुल मिलाकर 300 चिन्हित स्थलों पर वैक्सीनेशन का शुभारंभ होने वाला है।
अपराध पर नियंत्रण करने के लिए राजधानी पटना में शुरू हुई तैयारी। राजधानी में आपराधिक मामलों को बढ़ता देख अब पुलिस खेमा भी एक्शन मोड में आ गया है, जिसके तहत बीते पटना के SSP उपेंद्र शर्मा ने जिले के तमाम थाना प्रभारी के साथ बैठक की है। इस मौके पर SSP ने तमाम थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पिछले महीने में जो भी अपराध हुए हैं उसको सुलझा लिया गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि पाटलिपुत्र और मोकामा में लूट के मामलों की जांच चल रही है, अगले महीने की रणनीति काम शुरू हो गया है। हालांकि आपराधिक मामलों को रोकने के लिए एक नई पहल की गई है, जिसके तहत अब हर बुधवार को व्यवसायियों के साथ थाना प्रभारी की अध्यक्षता में बैठक करवाई जाएगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे श्वेता सिंह की। श्वेता सिंह एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुतकर्ता है और वो आज तक में विशेष कार्यक्रम में एक समाचार एंकर वायर कार्यकारी संपादक है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पटना विश्वविद्यालय से की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया पटना और हिंदुस्तान टाइम्स पटना में भी उन्होंने काम किया था, जिसके बाद उन्होंने 1998 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करना शुरू किया था और उन्होंने न्यूज और सहारा के लिए भी काम किया था। वहीं साल 2009 में इसके बाद वो लगातार आज तक में बनी हुई है। वहीं 2005 में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ खेल कार्यक्रम के लिए पुरस्कार भी उन्होंने जीता है। श्वेता ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पाटलिपुत्र का इतिहास कार्यक्रम भी दिखाया था। बिहार में फिर से ठंड बढ़ने की जताई गई संभावना। बिहार में मौसम का मिजाज फिर से बदलने का अनुमान लगाया गया है, जिसके तहत मौसम विभाग ने सभी लोगों से सावधानी बरतने की बात कही है। ठंड के इस माहौल में लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं देखने को मिलने वाली है, क्योंकि प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट बदलने वाला है। सोमवार से राजधानी में फिर ठंड बढ़ने के आसार जताए गए हैं। पश्चिमी से आने वाली बर्फीली हवा की गति में तेजी आने की उम्मीद है, जिसके बाद प्रदेश से सर्दी का प्रभाव बढ़ने के आसार जताए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज से फिर से ठंड का एहसास होने लगेगा। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर 14 जोड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज पटना साहिब स्टेशन पर भी। गुरु गोविंद सिंह की 354वीं जयंती के अवसर पर 14 जोड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज पटना साहिब स्टेशन पर करवाने का फैसला लिया गया है। 12 से 26 जनवरी के बीच स्टेशन पर 2 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के CPRO राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि पटना साहिब स्टेशन पर देश भर के कोने कोने से सिख श्रद्धालु गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर आएंगे। इसको देखते हुए रेलवे ने सभी प्रमुख ट्रेनों का अस्थायी ठहराव पटना साहिब स्टेशन पर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप 14 जोड़ी ट्रेन पटना साहिब स्टेशन पर अप और डाउन दोनों में 2-2 मिनट के लिए रुकेगी। बिहार को केंद्र की मिली बड़ी सौगात। बिहार के कटिहार में एक उच्च क्षमता का सुपर ग्रिड की सौगात मिली है। इसकी क्षमता 765 KV बताई गई है। केंद्र सरकार ने इस सुपर ग्रिड के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इस ग्रिड को बनाने के लिए कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने 4300 करोड़ रुपए देने वाली है। इसके लिए 130 एकड़ जमीन बिहार सरकार उपलब्ध करवाने वाली है। हालांकि इसके लिए भी केंद्र सरकार ही बिहार की मदद करने वाली है और राशि मुहैया करवाने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कटिहार के कोढ़ा में सुपर ग्रिड का निर्माण किया जाएगा। बाढ़ से मुक्त क्षेत्र होने के कारण कोढ़ा का चयन किया गया है, साथ ही बांग्लादेश की सीमा यहां से पास है। बिहार में एमटेक से लेकर एमबीए तक की लंबी लगी कतार। बिहार में व्याप्त बेरोजगारी को लेकर शुरू से ही चर्चा देखने को मिल जाती है। राज्य में जारी बेरोजगारी और सरकारी नौकरी के लिए एक बार फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में विधान परिषद ने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की भर्ती जारी की है, जिसके तहत 96 सीटों के लिए भर्ती की प्रक्रिया जारी है। हालांकि इस फोर्थ ग्रेड की इस नौकरी के लिए भी 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सरकारी नौकरी को लेकर युवाओं की दिलचस्पी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फोर्थ ग्रेड के इस नौकरी के लिए बीटेक से लेकर एमबीए, बीएड और एमसीसी तक की पढ़ाई कर चुके छात्र लाइन में खड़े दिखाई दिए हैं। बिहार के सिंघम से मिलने के बाद खेसारी लाल यादव ने यूपीएससी परीक्षा देने की जताई इच्छा। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर से चर्चाओं के बाजार में घिर गए हैं। इस बार चर्चा में आने का कारण उनका एक ट्वीट है। बिहार के आईपीएस मनु महाराज से मुलाकात के बाद खेसारी लाल यादव ने एक ट्वीट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो यूपीएससी का परीक्षा एक बार जरूर देता, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खेसारी यादव के मजे लेना लोगों ने शुरू कर दिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ दिनों पहले खेसारी लाल यादव ने आईपीएस मनु महाराज और IAS नीलेश देवरा से मुलाकात की थी, जिसका फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस फोटो को शेयर करते ही उन्होंने लिखा था कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो यूपीएससी का परीक्षा जरूर देता। बिहार में ROB निर्माण को लेकर नई गाइडलाइन हुई जारी।
बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशासन कार्यक्रम 2020-25 के तहत सुलभ संपर्कता की समीक्षा की थी, जिसके बाद बिहार में रेलवे सह सड़क ऊपरी पुल का निर्माण हर हाल में 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत तय सीमा में काम नहीं करने पर एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। मिली जानकारी के अनुसार शहरों में लगने वाले जाम की समस्या से मुक्ति के लिए ही पथ निर्माण विभाग ने यह समय सीमा तय कर दी है। आपको बता दें, इस बैठक में शहरी क्षेत्र ने बाईपास, फ्लाईओवर और आईओबी और आरओबी निर्माण की समीक्षा की है। पटना जू में बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन हुई सतर्क। दूसरे राज्यों में फैले बर्ड फ्लू के मामले को देखते हुए बिहार में भी सतर्कता के साथ काम किया जा रहा है और यही कारण है कि राजधानी पटना स्थित जू में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि कई जिलों में पक्षियों के जान जाने की खबर सामने आई है, मगर अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए पटना जू में भी एहतियात बरती जा रही है। उद्यान प्रशासन ने पक्षियों के पिंजरे के बाहर और अंदर रसायनों का छिड़काव करना शुरू कर दिया है। कई ऐसे पिंजरे भी हैं जो दर्शकों की एंट्री पूरी तरीके से बंद कर चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार पशु पक्षियों के दाने से लेकर सभी चीजों को लेकर सावधानियां बढ़ती जा रही है। पटना में भी हाल के दिनों में मंदिरी नाले पर एक कौवे को लेकर बर्ड फ्लू की आशंका जताई गई थी। हालांकि उसमें बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं पाए गए थे, मगर फिर भी पटना जू अपनी तरफ से कोई भी ढील देने के मूड में नहीं दिख रही है। स्पीकर के बजट सत्र 2-3 दिन रखने पर तेजस्वी ने जताई नाराजगी। नेता प्रतिपक्ष नए साल में नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस और वामदलों के नेताओं के साथ मीटिंग की है। मीटिंग के बाद हालांकि मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने आने वाले दिनों के कार्यक्रम की जानकारी दी। तेजस्वी ने महागठबंधन की तरह ही मांग की है कि बिहार विधानसभा के आगामी बजट सत्र को परंपरागत तरीके से बुलाया जाए। ऐसा नहीं किए जाने पर बजट सत्र का बहिष्कार होगा और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि इस महीने 30 जनवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन दलों के अन्य नेता कार्यकर्ता मानव श्रृंखला बनाने वाले हैं। भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में नेताओं को किया गया प्रशिक्षित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में भाजपा ने अपने नेताओं को प्रशिक्षण देने का काम किया है, जिसके तहत भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का बीते दिन दूसरा दिन रहा। राजगीर में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव समेत अन्य नेताओं ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। वहीं पार्टी नेताओं ने बिहार भर से आए कार्यकर्ताओं को आगामी रणनीति के बारे में जानकारी दी थी और प्रशिक्षित करने का काम किया था। इसके साथ ही दूसरे दिन के समारोप सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, बिहार से प्रभारी हरीश द्विवेदी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार भी हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी दोनों दिन में से किसी भी दिन देखने को नहीं मिले। जीतनराम मांझी ने एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं होने की कही बात। हम प्रमुख जीतनराम मांझी ने हाल ही में एनडीए की सच्चाई सामने ला दी है, जिसके तहत उन्होंने दोनों पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की बात कही है। मांझी ने साफ कहा है कि पार्टी में आंतरिक विरोध जारी है और पार्टी नेता ही एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने रविवार को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति में गठबंधन धर्म को निभाना अगर सीखना है तो नीतीश जी से सीखा जा सकता है। गठबंधन में शामिल दल के आंतरिक विरोध और साजिशों के बावजूद भी उनका सहयोग करना नीतीश जी को राजनीतिक तौर पर और महान बनाता है। नीतीश कुमार के जज्बे को मांझी का सलाम। आपको बता दें, बीते कई दिनों से एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं होने की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद मांझी के बयान से सियासत एक बार फिर शुरू हो गई है। उमेश कुशवाहा को जिम्मेदारी मिलते ही तेजस्वी ने कसा तंज। पूर्व विधायक उमेश कुशवाहा को बीते दिन जदयू का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। राजधानी पटना के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। हालांकि पहले इस जिम्मेदारी को राम सेवक सिंह को सौंपने की बात सामने आई थी। वहीं उमेश कुशवाहा की जिम्मेदारी संभालते ही तेजस्वी यादव ने तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुंडली देखकर अध्यक्ष बनाने का काम करते हैं। पहले अशोक चौधरी को कुंडली के आधार पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, अब उमेश कुशवाहा को अध्यक्ष बनाया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। मुगल साम्राज्य के सम्राट जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत 1613 में आज ही के दिन दी थी। भारत के अखबारी कागज का उत्पादन 1955 में आज ही के दिन शुरू हुआ था। भारत और इंडोनेशिया के बीच 2001 में पहली बार रक्षा समझौता आज ही के दिन हुआ था। बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म 1954 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का जन्म 1973 में आज ही के दिन हुआ था। जय जवान जय किसान नारा देने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1966 में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था।
सिडनी में हुए नस्लीय टिप्पणी पर भड़के विराट कोहली। भारतीय टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे मैच में नस्लीय टिप्पणी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आपको बता दें, बीते दिन सिराज और जसप्रीत बुमराह के खिलाफ दर्शकों ने नस्लीय टिप्पणी की थी, जिसको लेकर कप्तान विराट कोहली ने अब नाराजगी जताई है। विराट कोहली ने अपने ट्वीट को जारी करते हुए लिखा है कि नस्लीय दुर्व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है। बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते समय मुझे भी घटिया बातें सुननी पड़ी हैं और यह अभद्र व्यवहार की चरम सीमा है। मैदान पर इस तरह की घटनाएं देखना काफी दुखद है। विराट कोहली ने ही बल्कि भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह ने भी सिडनी में हुए वाक्य को लेकर नाराजगी जताई है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस पूरे मामले की जाँच अभी की जा रही है। शहनाज गिल ने वीडियो शेयर करते हुए कही अहम बात। बिग बॉस 13 की जानी मानी कंटेस्टेंट शहनाज गिल आज भी बिग बॉस के इतिहास की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक है। हालांकि वो लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर उनके ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज और वीडियोस तेजी से ट्रेंड करते रहते हैं। फैंस के साथ लाइव चैट कर शहनाज उनका मनोरंजन भी करती रहती है। इसी क्रम में हाल ही में शहनाज गिल ने फैंस के साथ एक लाइव सेशन किया, जिसमें उन्होंने फैंस द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया। शहनाज गिल ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कहती नजर आ रही है कि सेशन के दौरान वो जो मेकअप लगाकर बैठी हैं वो उन्होंने खुद किया है। इसके बाद शहनाज ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर बात करते हुए कहा कि वो पहले चबी थी, लेकिन उन्होंने काफी वजन कम किया है। दोबारा अगर मोटी हुई तो उन्हें काम नहीं मिलेगा। गूगल फोन ऐप पर जल्द ही आ रहा है नया फीचर। एक साल पहले गूगल अपने गूगल फोन ऐप पर कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को लेकर आया था। उस समय यह फीचर सिर्फ कंपनी के पिक्सल डिवाइस तक ही सीमित था, जिसके बाद से कुछ नोकिया और शाओमी स्मार्टफोन के लिए भी जारी किया गया था। अब कंपनी इस फीचर को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है। ताजा रिपोर्ट की माने तो गूगल फोन ऐप में अनजान नंबर से आने वाले कॉल खुद रिकॉर्ड हो जाएंगे। दरअसल आमतौर पर जब हम कॉल रिकॉर्डिंग फीचर ऑन करते हैं तो यह सभी नंबर, चाहे वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो या अनजान हो, उसकी कॉल को रिकॉर्ड करता है। वहीं अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि ऐसे में गूगल फोन ऐप का नया फीचर का यूजर के लिए बड़े कामकाज साबित हो सकता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 10 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,060 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,060 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,200 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.76 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम हैं सौरभ कुमार, विकास कुमार, गीत भोजपुरी बिहार, आशीष कुमार, आयुष कुमार, सैयद हुसैन, दरोगा कुमार, कुंदन कुमार, कुमार जितेंद्र, अमरेश चौधरी, मोहम्मद सफर आलम, रामशंकर प्रसाद राव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मैच में किस टीम का पलड़ा मौजूदा हालात को देखते हुए ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।